नागपुरा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से जारी की गई चयन सूची को यथावत रखने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। नागपुरा स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए लॉटरी के माध्यम से जो सूची जारी की गई थी उसी चयन सूची को यथावत रखे जाने की मांग को लेकर पालकगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुँच जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि कक्षा पहली के लिए कुल 145 आवेदन लिए गए जिसमें लॉटरी के माध्यम से शाला द्वारा कुल 40 बच्चों का चयन किया गया जहां सभी पालक भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि इसी कड़ी में पालकों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए बताया कि शाला द्वारा इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा चयन प्रक्रिया एवं चयन सूची को गलत बताते हुए विरोध किया गया और फिर शाला द्वारा जारी की गई चयन सूची को निरस्त किए जाने की सूचना दी गई और साथ ही चयनित पालकों को चयन सूची निरस्त किए जाने की सूचना दी गई जिस पर शाला प्रबंधन के खिलाफ चयन प्रक्रिया ने गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए इसके विरोध में सभी पालकों ने जिलाधीश के नाम चयन सूची को यथावत रखे जाने की मांग की और ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज़ टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। और हम लोगों का समस्या ये है कि जो 40 बच्चे का लॉटरी के जरिए से चयन हुआ था, आए हैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में, हम लोग के बच्चे का सिलेक्शन हुआ था लॉटरी सिस्टम से, तो ये कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ असामाजिक लोगों की वजह से लॉटरी फिर से कैंसिल कर दिया गया और बोल रहे हैं कि फिर से होगा सिलेक्शन करके, तो ये गलत है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं कि जो 40 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है वो यथावत रहे, जो 10 सीट जो बाकी है उसमें ही भले ही आप लॉटरी निकाल दो, बस इतना ही काम। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।